एक ऐसा त्यौहार है, खुशियों भरा त्यौहार है, और अपन कहते हैं स्वच्छता का जो विशेष प्रयोग होता है वो दीपावली के अवसर पर होता है। और इस दीपावली के पावन अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को, जिलेवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँ। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक जीत मिली है, इसके पीछे का परचम जो आपने लहराया है, जो आपकी मेहनत रही है, क्या दर्शाता है ये जीत, क्या दर्शाती है, और किस तरह से आपने आदिवासियों को विश्वास जीता उस जगह पर जाकर? इसका एक ही कारण है कि जो कांग्रेस ने झूठ बोलवाल के जो सरकार बनाई थी, 15 महीने की जो सरकार कांग्रेस की रही, वो लोगों के लिए 15 महीने में जो प्रदेश की तरक्की, उन्नति और विकास के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, उनने जस्ट उल्टा सोचा। उसका परिणाम ये कि जनता अंदर से 15 महीने में इतनी त्रस्त हो चुकी थी कांग्रेस की सरकार से कि उसका उपचुनाव में जो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी का आया है, उसमें प्रमुख भूमिका वो कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए परेशान लोग, किसानों के साथ छलावा, गरीबों के साथ छलावा, लोग उससे तंग आ गए थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीती। लेकिन आपकी मेहनत भी तो थी इसमें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने परिश्रम किया, जनता ने खुले मन से शिवराज जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया, शिवराज जी को चुनाव के विजय के रूप में आशीर्वाद दिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तीनों जगह अच्छे मतों से चुनाव जीती है। दीपावली